गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुद्धिर बलवती सदा, हमेशा। सदा यानी हमेशा, बुद्धि ही बलवान होती है। हमेशा जो है बुद्धि ही ताकतवर होती है। ध्यान दें आप, द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा, दूसरा पाठ बुद्धि हमेशा बलवान होती है। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति कथा ग्रंथ से लिया गया है। अत्र पाठांश स्वलघु पुत्राभ्याम स कानन मार्गेण पितु ग्रहं प्रति गच्छन्तया बुद्धिमती नामनिया महिलाया मतिकोशलम प्रदेशितम वर्तते। इस पाठ के भाग में अपने छोटे पुत्रों के साथ जंगल के मार्ग से पिता के घर की ओर बुद्धिमती नामक महिला चलती हुई जाती हुई अपने बुद्धि कौशल को प्रदर्शित करती है। सा पुरत समागतम सिंगम अपि भीतिम उत्पादये तत् निवारयति। वह सामने से आए हुए शेर के भीति डर को भी भगा देती है। अर्थात वो महिला जो है बुद्धिमती महिला जो है अपनी बुद्धि कौशल से शेर सामने आए हुए शेर के डर को भी दूर कर देती है। यम कथा नीति निपुणयो सुख सारिकयो संवाद माध्यम सद्दते विकासार्थम प्रेरयति। यह कथा नीति में निपुण सुख और सारिका संवाद के माध्यम से अच्छी प्रवृत्ति का विकास करने के लिए प्रेरित करती है। ध्यान दे बेटा, पाठ शुरू होने जा रहा है। अस्ति देवलाख्यो ग्राम, देवल नाम का गांव। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसति इसमें। वहां राज सिंह नाम का राजपूत रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुग्रहं प्रति चलिता। एक बार केनापि किसी भी आवश्यक कार्येण आवश्यक कार्य से तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता अपने दोनों पुत्रों को लेकर पितुग्रहं पिता के घर प्रति की ओर चलिता चल पड़ती। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पिता के घर की ओर चल पड़ती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। ददर्श यानी देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम् दृष्ट्वा, उसने बाघ को आते देख दृष्ट्वा देख धाष्ट्यात् पुत्रो चपेतया, धीटता पूर्वक पुत्रों दोनों पुत्रों के चपेतया थप्पड़ प्रहर्तिया मारकर जगा बोली। वापस देखे, उसने बाघ को आते देख भीतता पूर्वक दोनों पुत्रों को थप्पड़ लगा करके कहा, कथम एक एक सो, क्यों एक के लिए व्याघ्रम भक्षणाय क्लहं कुरुत, बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो।
क्यों? एक ही बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो। थप्पड़ मार करके उन दोनों पुत्रों से क्या कहा कि भाई एक बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो? अयम एकस्तावत द्विविभाज्य भुज्यता, यह एक है, ये सामने तो एक ही बाघ आया है, इसे ही मिल बांट करके खा लो। तत्पश्चात अन्योदित्य कश्चित लक्ष्यते, बाद में किसी दूसरे को मारकर खा लेना। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद्वियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाग्रोचितो नश्वर, ऐसा सुन करके व्याघ्रमारी बाघों को मारने वाली काचिद्वियमिति मत्वा कोई होगी, ऐसा मान करके बाघ भयाकुलोचित डर के मारे वहां से भाग जाता। बाघ ने जब ये सारा घटनाक्रम सुना या ये सारी बात सुनी कि यार ये तो बाघों को मारने वाली है जैसा मैंने सुना है, तो ऐसा डर उसके मन में बैठ जाता है और वो वहां से नष्ट हो जाता है, भाग जाता है। आगे क्या कहा है उसका ध्यान दें। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अयो अपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भया। निज बुद्धया अपनी बुद्धि से विमुक्ता मुक्त हुई सा भयात् उसके डर से व्याघ्रस्य भामिनी बाघ के डर से वो पत्नी राज सिंह की पत्नी जो है अपने बुद्धि कौशल से बाघ के डर से मुक्ति प्राप्त करती है। अन्यो अपि अन्य भी दूसरे भी बुद्धिमानों के बुद्धि के बल से लोके संसार में मुच्यते कहते हैं महतो भयात्, बड़े से बड़ा डर भी दूर किया जा सकता। क्या कहा है कि इस संसार में आप भी अपने बुद्धि कौशल से बड़े डर को दूर कर सकते हैं, जैसे राज सिंह की पत्नी ने यहां अपने बुद्धि कौशल से बाघ के डर से मुक्ति प्राप्त की। भयाकुलं व्याघ्रं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धृतः शृङ्गालः हसनाः भवान् कुतः भयात् पलायितः। भयाकुलं भय से व्याकुल, व्याघ्रं दृष्ट्वा बाघ को देख करके कश्चित् कोई धूर्त चालाक शृङ्गालः सियार हसनाः हंस करके बोला। भय से व्याकुल बाघ को भागता हुआ देख करके कोई चालाक सियार हंसकर बोला भवान कुतः भयात् पलायितः, आप डर के मारे कहां भागे जा रहे हैं? बाघ बोला गच्छ गच्छ जंबू जा जा सियार, तवमपि कश्चित् गूढ़ प्रदेशम, तू भी इसी घने जंगल में जाकर के या घने प्रदेश में जाकर के छिप जा। यह तो व्याघ्र मारी थी, यह तो बाघों को मारने वाली है, या शास्त्रे सुनिए थे जैसा कि शास्त्रों में सुना था। तयाम हन्तुम आरब्ध, तुझे और मुझे मार देगी, परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्र तद्ग्रतम्। जान हथेली पर लेकर के मैं जल्दी ही वहां से भागा हूं, तू भी यहां से भाग जा। क्या कहा वापस ध्यान दें, जैसा कि शास्त्रों में सुना है कि बाघों को मारने वाली कोई पैदा हुई थी, वैसा ही मैंने सुना है वह महिला तुझे भी और मुझे भी मार देगी, मैं जान हथेली पर लेकर से भाग करके आया हूं, तुम भी यहां से भाग। श्रृंगाल सियार कहता है व्याघ्र बाघ से,
तव्या महत् कौतुकम् आवेदितम् अन्ने मानुषादपि विभेषितम्। तुम भी मनुष्य से डरते हो, ऐसा आज पहली बार मैंने आश्चर्यपूर्वक देखा और सुना। सियार ने बाघ से कहा कि बाघ तुम भी मनुष्य से डरते हो, ये आज मैंने पहली बार सुना और देखा भी है। व्याघ्र प्रत्यक्ष में मया साक्षात पुत्र में पुत्र एक एक शो मातुम कले मानो चपेटिया प्रारंभी दृष्टा। बाघ बोला साक्षात्कार में ही मैंने उसे अपने पुत्रों को मेरे लिए झगड़ा करते हुए थप्पड़ मारते हुए देखा। मैंने साक्षात रूप से उस महिला को देखा है जो मुझे खाने के लिए लड़ते हुए अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ जड़ देती है। जम्बू सियार स्वामीन स्वामी यत्रास्ते साधुता तत्र गम्यतम्। जहां पर वह चालाक महिला है वहां पर हम दोनों को चलना चाहिए। तव पुनः तत्र गतस्य सा समुखम् पिंक्षते यदि तहीर्तव्या अहम् गन्तव्या। यदि उसके सामने हम दोनों चलते हैं तो वो तुझे भी मार देगी और मुझे भी मार देगी। जम्बो सॉरी व्याघ्र श्रृंगाल सियार यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला प्रेदासे। बात सियार से क्या कह रहा है कि भाई सियार यदि तू मुझे उस महिला के भय से छुटकारा दिला देता है तो शर्त जो हम दोनों लगाते हैं वो शर्त बेशर्त में बदल जाएगी। जम्बू सियार कहता यदि एव तहिर माम निज गल बद्दे चल सतौरम। यदि ऐसा ही है मां मुझे निज गले अपने गले में बदुआ बांध करके चल सतौरम जल्दी से वहां चलो। भाई तुम तुम्हारे और मेरे बीच जो शर्त लगी है तो तुम मुझे वहां पर अपने गले में बांध करके मुझे जल्दी से वहां ले चलो। सब आश्रम वह और बार तथा जैसे ही कृत्वा काननम ययो। बाघ ने सियार को अपने गले में बांध करके तुरंत जंगल की ओर भागना शुरू किया। श्रृंगालेन सहित पुनरायातम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा सियार सहित दोबारा बाघ को आते देख करके दूर से ही बुद्धिमती चिंतित होती बुद्धिमती विचार करने लग जाती। जम्बु क्रतो उत्साह व्याघ्रम कथम सियार जो है बाघ को उत्साहित करके ले आया है। कथम उच्चया क्यों ले आया है। परम प्रत्युत्पत्ति वह कहती है फिर भी वह दोबारा कहती सा जम्बुकम शिप्यति उंगलया तर्जने उवाच। वह तर्जनी उंगली बाघ को ना दिखाते हुए सियार को दिखा करके बोली अरे धूर्त तव्या दत्तम मय्यम व्याघ्र त्रयम पुरा। अरे धूर्त सियार तूने तो पहले मुझे तीन सियार लाख सॉरी बाघ ला करके दिए। अरे धूर्त सियार तूने तो पहले मुझे तीन बाघ ला करके दिए थे। विश्वास अध्ये मानिया कथम यासी बता। अब तू विश्वास के तौर पे एक ही बाघ को क्यों ला करके दे रहा है।
इतिक्तुवा धाविता तुण्णम व्याकुमारी भयंकरा, ऐसा कह करके वो बाघों को मारने वाली बुद्धिमती घास के तिनके को या लकड़ी को लेकर के उन्हें मारने दौड़ती है। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद श्रृंगाल कर, बाघ भी अपने गले में बंधे सियार के साथ तुरंत ही वहां से भाग जाता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जाल भयात् पुनरपि मुक्त अभवत्। इसी प्रकार से बुद्धिमती ने वापस भय, बाघ के भय से दोबारा मुक्ति को प्राप्त किया। इस तरीके से बुद्धिमती ने दोबारा बाघ के भय से छुटकारा प्राप्त किया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकारेषु सदा। बुद्धिर बलवती, बुद्धि ही बलवान होती है, तन्वी कोमलांगी सर्वकारेषु सदा, हमेशा सभी कार्यों को करने के लिए बुद्धि बलवान बताई गई है। बुद्धि के द्वारा ही सभी कार्य हल हो जाया करते हैं। ठीक है बेटा, ये कहानी है, इसे आप अच्छे से पढ़ें, इस कहानी का आनंद प्राप्त करें। इसका पीडीएफ आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है बेटा, गुड डे, थैंक यू, धन्यवाद।